हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मूली की पत्तों की चटनी। तो उसको हम कैसे बनाएं, तो किसी को पता होगा और किसी को नहीं भी पता होगा कि मूली की चटनी बनती है। तो देखिए, मेरे पास मूली है, मूली और पालक। तो पालक एक दिन 2 दिन हो गए, इसका तो सूख गया है। तो है मूली का पत्ता, तो मैं इसका मूली को निकाल के रख ली हूँ, और इसका पत्ता है और ये पालक है। तो जब भी हम चटनी बनाएंगे तो हमको पालक ज़रूर चाहिए। जितना आपका मूली का पत्ता हो उतना ही आपको पालक चाहिए। तो उससे टेस्ट अच्छा आता है और अच्छे से मतलब पक भी जाता है। नहीं तो सिर्फ मूली मूली का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है और पकता भी उतने अच्छे से नहीं है। तो दोनों को मिक्स करके हमको लेना है, आधा आधा दोनों की मात्रा होना चाहिए। तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं मूली को कटिंग करके उसका जो डंठल है उसको हटा दी हूँ ऊपर का, और इतना पतला पतला कटिंग करके रख ली हूँ। और पालक भी मैं कटिंग कर ली हूँ। तो पालक को मैं अलग कटिंग करके रखी हूँ और मूली को मैं अलग कटिंग करके रखी हूँ। तो जो पालक और मूली का जो बचा है, पालक का डंठल और ये मूली का, तो मैं यहाँ रख दी हूँ। तो आप इसको, गाय घर में है तो आप गाय को दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको इसका खाद तैयार कर लीजिए। तो इसको फेंकिए नहीं। तो देखिए, तो पहले मैं मूली को धोऊंगी, फिर मूली के धोने के बाद फिर मैं पालक को धोऊंगी, क्योंकि पालक में थोड़ा ज़्यादा मिट्टी होता है और मूली तो ऑलरेडी पहले से धुला होता है, तो इसलिए उसमें पानी का बचत होगा। तो पहले हम मूली को धो लेते हैं और फिर उसके बाद हम पालक को धोएंगे। और धोने के बाद हम उसको छन्नी में छान लेंगे, 1 घंटा पहले धो के रख देंगे। तो देखिए, मैं धो के रख ली हूँ, 1 घंटा हो गया। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तो कढ़ाई में मैं दोनों को डाल दूँगी। तो जब हम दोनों पालक और मूली का पत्ता जो हम लोग धोए थे, तो उसको हम डाल देंगे और उसको तेज़ आँच में पकने देंगे। तो उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमकीन होता है, तो उसमें हमको नमक कम डालना होता है। तो आप जब भी साग बनाएं तो आपको पता होगा कि नमक कितना डालता है, तो आपको नमक उसके अनुसार डालना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है नमक। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसको ऐसे ही कढ़ाई में उबलने देना है। तो इसको जब हम कढ़ाई में तेज़ आंच में पकाएंगे, आप ज़्यादा भी तेज़ आंच नहीं रखिएगा, नहीं तो क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 घंटा पहले इसको हमने छान लिया है, तो इसमें पानी नहीं है, तो इसको हम आराम से पकने देंगे। अब मैं मिर्ची कटिंग कर ली हूँ, लहसुन, हरी मिर्च और ये लहसुन है, बारीक बारीक काट के मैंने रख लिया है। तो आपको जितना चाहिए लहसुन और मिर्ची, तो आप उसके अनुसार कट करके रख लें। तो ये मेरा, देखिए, मूली और पालक दोनों पक गए हैं और पानी भी सूख ही गया है। तो पानी जब अच्छे से जब सूख जाए, तो फिर हम चेक कर लेंगे कि मूली का जो डंठल होता है उसको हम चेक करेंगे, देख के हाथ से मसल के ये सीझा है कि नहीं। तो जब हाथ से देख लेंगे, देखिए मसला जाए मूली का डंठल को, पालक को नहीं, पालक तो ऑलरेडी सीझ जाता है, मूली में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम देखेंगे जब सीझ जाएगा तो हम उसको गैस चूल्हा से उतार लेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा में ठंडा हो जाता है। तो जब ये ठंडा हो जाए, देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैं इसको अब अच्छे से पीस लूँगी। तो आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, ज़्यादा अच्छा पीसता है, और नहीं तो फिर आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो मैं अभी मिक्सी में पीसूंगी। तो इसमें मैं सारा अच्छे से डाल लूँगी, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने सारा इसमें डाल दिया है। तो फिर उसके बाद हमने एक ही बार में पीस जाएगा, लेकिन थोड़ा पीसने में टाइम लगता है, तो ध्यान से आपको पीसना होगा, और नहीं तो फिर आप सिलबट्टे में पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसा जाता है। तो देखिए, मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये मेरा पीस चुका है अच्छे से। तो जब ये पीस जाए
तो फिर हमको इसको क्या करना है कि एक बर्तन में हमको निकाल लेना है इसका पेस्ट को। तो इसका पेस्ट को मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैं बर्तन में निकाल ली हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 1 चम्मच आप सरसों का तेल डाल दीजिए, बस इतना काफ़ी है। और इसमें हम डालेंगे जो कटिंग करके हमने बारीक बारीक लहसुन और मिर्ची रखे थे, तो उसको हमको डाल लेना है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं मिर्ची और लहसुन, और फिर हम इसे डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए इसको चम्मच से मिक्स कर लीजिए आप। तो चम्मच से मिक्स करने से उतना अच्छा से मिक्स नहीं हो पाता है, अगर हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से मिक्स होगा। तो हम इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे और ये अब बन के तैयार है। तो मूली के पत्तों में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, विटामिन ए बी सी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, मतलब बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। तो हमको इसको फेंकना नहीं चाहिए और हमको इस तरह से इसका चटनी बना के या फिर इसको आप साग कर लीजिए, इस तरह से हम इसको बना के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं और ये बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। मैं अपने बच्चों को नहीं खाते हैं तो मैं ऐसे ही करके सिर्फ राइस, उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ चावल रहेगा और ये साग या चटनी जो भी बोलिए, तो इसको मिक्स करके मैं दे देती हूँ और उन को बहुत पसंद आता है। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिला सकते हैं। आपके बच्चे साग नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप उसको बना के देंगे तो बच्चे आराम से खाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बताइएगा ज़रूर कि ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस तरह से आप अपने घर में इसको ट्राई ज़रूर करें, अभी ठंड की मौसम है और बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय।